जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही और बदमाश घायल। दोनों घायलों को इलाज के लिए CHC चंदौसी में भर्ती कराया गया। लॉकडाउन के इस समय में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का दौर जारी है। ऐसा ही एक मामला जनपद संभल की चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से सामने आ रहा है, जहां पर पतरुआ चौराहे के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक सिपाही और बदमाश घायल हो गए। इस मामले में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि चंदौसी कोतवाली पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। बाइक पर सवार होकर दो व्यक्ति उधर से गुजर रहे थे, जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो इन्होंने रुकने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक छात्र 25,000 रुपये का इनामी अपराधी नसीम भी घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए संयुक्त चिकित्सालय चंदौसी में भर्ती कराया गया। घायल बदमाश से पुलिस ने एक बाइक, तमंचा, कारतूस भी बरामद किए, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में कैंपिंग लगातार जारी है। जबकि पकड़े गए बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या पूरा जनपद संभल में वाहन चेकिंग चल रही थी, इसी दौरान दो अपराधियों को रोकने की कोशिश की गई, जिन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ और उसी काउंटर फायरिंग में एक अपराधी भी घायल हुआ है, ये पथरौवा चौराहा के पास में। और इसके बाद इन लोगों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है। जब इनके बारे में जानकारी की गई तो नसीम नाम का अपराधी है, जो उसमौली थाना क्षेत्र का रहने वाला है और नखासा थाना क्षेत्र से वांछित था, ये गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था, 25,000 का इनामी अपराधी था। इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जब पता की गई है तो लगभग आधा दर्जन केसेज हैं इसके ऊपर, और अभी एक तमंचा और कारतूस मोटरसाइकिल बरामद हुई है, बाकी की जानकारी अभी की जा रही है। इसका एक साथी मौके से फरार हो गया है, उसके लिए कैंपिंग अभी जारी है।